अस्सलाम वालेकुम वार्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो जो है वो एक मल्टी फंक्शन लिस्प के बारे में है। ज्वाइंट 3D पॉलीलाइन इन ऑटोकैड लिस्प, मल्टी फंक्शन पॉलीलाइन लिस्प। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन नजर आ रहे हैं, हम इनको आज देखेंगे कि ये सिंगल लिस्प जो है वो कैसे मल्टी फंक्शन में काम करती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी ट्रायंगल ओपन की है और यहाँ पे जो है हम जो लिस्प यूज करेंगे वो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ज्वाइन सिलेक्टेड पॉलीलाइन। ओके, तो यहाँ पे ओके मैं ऐसे ही कोई लाइन जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये सिंगल लाइंस हैं। तो यहाँ पे मैं PL ज्वाइन की कमांड देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास दो कमांड शो हुई है, जो कि एक जो है वर्क करेगी 3D पॉलीलाइन पे और एक करेगी एक खाली लाइन या पॉलीलाइन पे। तो हमने पहले जो देखना है फर्स्ट नंबर पे वो हमने लाइंस को देखना है। तो यहाँ पे जैसे मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये अभी एक सिंगल पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गई है। इसमें हमारा दूसरा फंक्शन जो है वो 3D पॉलीलाइन का है। यहाँ पे ये मेरे पास एक 3D पॉलीलाइन है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। ओके, इसी ड्राइंग में लाके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिए। अभी अगर आप देखें तो ये 3D पॉलीलाइन है। ठीक है, यहाँ पे अभी अगर हम इसके वर्टेक्स में देखें तो इसके साथ ये जो एलिवेशन है वो डिफरेंस डिफरेंट एलिवेशन है। ठीक है, मैं इसको एक दफा यहाँ पे एक्सप्लोर कर देता हूँ, एक्सप्लोर। ओके, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये लाइन ही लाइन है इसमें। ठीक है, तो अभी मैं इसको 3D पॉलीलाइन में ज्वाइन करता हूँ PL। ओके, और यहाँ पे ज्वाइन 3D पॉलीलाइन, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये जो है ये इसको ज्वाइन कर देगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अभी इसका सिंगल सेगमेंट में ये यहाँ पे 3D पॉलीलाइन जो है ज्वाइन हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसका ये एक वर्टेक्स में कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है PL VFI, इंसर्ट वेक्टर इन द सिलेक्टेड पॉलीलाइन एट इंटरसेक्शन विद स्पेसिफिक पॉलीलाइन। ओके, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पे आपने अगर इसमें पॉलीलाइन में वर्टेक्स ऐड करना है, जैसे यहाँ पे ये मैंने एक सिंगल पॉलीलाइन लगाई है, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो एक वर्टेक्स इसके स्टार्ट में है और एक इसके एंड में है। ओके, अगर आपको मल्टीपल आपके पास कोई इंटरसेक्ट लाइन कर रही है यहाँ पे, ओके ठीक हो गया, यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और आपको यहाँ पे ओके ठीक हो गया, यहाँ पे अभी अगर आपको इंटरसेक्शन वर्टेक्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आप ये VFI कमांड जो है वो यूज करेंगे, PL VFI। ओके, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे ये जो मैसेज आया आपने इसको जस्ट ओके करना है। यहाँ पे जो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर तो वर्टेक्स आपने इस वाली लाइन में ऐड करने हैं तो आपने जो है पहले नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करना है, और अगर आपने इनको सिलेक्ट इनमें करने हैं तो आपने इस वाले को सिलेक्ट करना है। तो कोई भी यहाँ हम समझने के लिए कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया ओके, और फिर मैंने इसको राइट क्लिक किया ओके, यहाँ पे एक्सटेंड नो एक्सटेंड की कमांड आ रही है, मैं इसको नो एक्सटेंड पे करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे इन लाइन्स को जो है वो मैंने कर दिया। यहाँ पे अभी अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इन लाइंस में जैसे हमने पहले देखा कि जो लाइन हमने बाद में सिलेक्ट करनी है वर्टेक्स उसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो सिंगल पॉली लाइन थी जहां जहां पे इन सिंगल को क्रॉस कर रही थी वहां वहां पे इसने वर्टेक्स ऐड कर दिए हैं। तो नेक्स्ट तीन कमांड होगी हमारी। यहाँ पे नेक्स्ट जो है पॉली लाइन, ओके, यहाँ पे रिप्लेस ऑन आर्क सेगमेंट ऑन ए पॉली लाइन विद ए लाइन। ओके, यहाँ पे अभी अगर आपके पास कोई आपके पास पॉली लाइन है, जैसे यहाँ पे मैंने ये पॉली लाइन क्रिएट कर दी, मैंने इसको ऐसे ही कोई रेडियस दे दिया ओके,
ये रेडियस छोटा है, ओके एफ आर 100, ओके ओके यहाँ पे मैं पॉलीलाइन क्रिएट कर लेता हूँ 20, ओके और यहाँ पे भी मैं इसको 20 की डिमेंशन दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको फिलेट कर देता हूँ, ओके यहाँ पे, ठीक है। तो कमांड है हमारी अभी कि अगर आपके पास ऐसी कोई पॉलीलाइन हो जिसमें आपके आर्क वगैरह हो और आपने उसको स्ट्रेट करना हो, तो उसके लिए ये कमांड है, ओके आर्क टू लाइन, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ये कमांड है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको आगे सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये चैम्फर में क्रिएट कन्वर्ट हो गया है, ओके। इसी तरह अभी अगर आपके पास कोई आर्क ये लाइन है और आपने उसको आर्क में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ओके और इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके और इसको यहाँ पे मैंने जो भी आपके सूटेबल आर्क है आप उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट कमांड हमारी है डिवाइड, स्प्लिट द सिलेक्टेड पॉलीलाइन सेगमेंट इनटू ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेगमेंट आफ्टर स्पेसिफिक डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं इस कमांड को ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, ओके और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी हमने जो है जैसे ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट था, हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट, तो नंबर ऑफ सेगमेंट जैसे मुझे इसको 10 में डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे 10 इंटर कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें वर्टेक्स ऐड हो गए। अगर मुझे इसको करना है, ओके ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट मैं सेम कमांड को लेता हूँ और इसमें मुझे अगर वर्टेक्स ऐड करने हैं, यहाँ पे मुझे इसको वर्टेक्स ऐड नहीं करने, मुझे जस्ट इसके सेगमेंट बनाने हैं, तो मैंने सेगमेंट लेंथ दी इसको, तो मैंने 5 की सेगमेंट लेंथ दी, तो यहाँ पे इसके जो 5 के बाद जो इसके इसको इसने 5 किया और जो लास्ट में बचा उसको कर दे। इसी तरह आप आर्क पे भी कर सकते हैं, आर्क पे जैसे हमने इसको फिर ये कमांड दी, ओके और यहाँ पे मैंने ये वाली ऑप्शन यूज की और इसको मैंने 3 या इसको भी मैंने 5 सेगमेंट दे दिए, ओके एंटर कर दे, तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये यहाँ पे सेगमेंट आ गए हैं इसमें, ओके। नेक्स्ट हमारी कमांड है PL डिवाइड आल, यहाँ पे आए पहले हमने सिंगल सिंगल में किया है, अभी अगर हम इसको यहाँ पे एक ही दफा करना चाहें तो हम एक ही दफा भी कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस कमांड को कॉपी किया यहाँ पे, ओके कॉपी और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट ओके और इसको हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट हमने दे दिए कि हमें 5-5 सेगमेंट सब में चाहिए, तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो जो टेंजेंट है उनके भी 5 बन गए, कर्व के भी और एंड वाले के भी 5 बन गए, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ओके यहाँ पे ये इसका ये फंक्शन था। नेक्स्ट है हमारे पास एड ए न्यू वर्टेक्स ऑन एन इंटरव पॉलीलाइन रिवर्स एंटिटी ऑब्जेक्ट, तो ये क्या काम करता है यहाँ पे, यहाँ पे आप इसको कॉपी करें, ओके इसको मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट किया, ओके अभी आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वहां पे आपका ये वर्टेक्स ऐड हो जाएगा, ओके यहाँ पे अभी आप देखें यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, ओके यहाँ पे भी क्लिक ऐड हो गया, सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे भी ये ऐड हो गया, ओके या आप एक क्लिक करके राइट क्लिक कर दें तो ये वहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी पॉइंट पे अपना वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कमांड है PLCW रिवर्स सिलेक्टेड पॉलीलाइन क्लॉकवाइज, ओके तो यहाँ पे हम कोई अपनी पॉलीलाइन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ओके जैसे मैं यहाँ पे एक पॉलीलाइन क्रिएट कर देता हूँ, मैं इसको 20 की लेंथ दे देता हूँ, ओके यहाँ पे अभी अगर आप देखें, ठीक है तो यहाँ पे हम इसको लेबल दे देते हैं, ओके और यहाँ पे मैंने इसको लेबल कर दिया, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, अगर हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं,
यहाँ पे ये हमारे पास कमांड है। ओके, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। ओके, और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, अभी हम अपनी लाइन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट कमांड हमारी इसी को, अगर आपने रिवर्स करना है तो आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है रिमूव वर्टेक्स ऑफ पॉली लाइन। ओके, अगर स्ट्रेट लाइन पे जो भी एक सिंगल लाइन, कोई भी एक पॉली लाइन है उस पे अगर आपके पास वर्टेक्स है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ये अभी हमने वर्टेक्स ऐड किए थे इसमें हमने। ओके, ये हमारे वर्टेक्स हैं, हमने इनको रिमूव करना है, तो इसके लिए हमारे पास ये कमांड है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट, ओके, और यहाँ पे लाके मैंने इसको क्लिक कर दिया। ओके, तो यहाँ पे अभी अगर आप जैसे देखें तो इस लाइन के सारे वर्टेक्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट है हमारे पास रिमूव सिलेक्टेड वर्टेक्स। ओके, अगर आपके पास कोई लाइन में वर्टेक्स ऑलरेडी ऐड हैं और आपने सारे रिमूव, जैसे अभी हमने किया ऐसे नहीं करने, आपने कोई एक पार्टिकुलर करना था, मैं इसको अनडू करता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे हमने इसको जूम कर लिया और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। ओके, और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, अभी मैंने ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। जो आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं, जो आपको नहीं चाहिए वो उसको आप इजीली इसमें से रिमूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। एंटर करना है तो आपका जो पॉली लाइन है वो एज इट इज बाकी रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट 2D। तो अगर आपके पास कोई 3D लाइन है और आपने उसको 2D में कन्वर्ट करना है तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं इस लिस्ट की मदद से। यहाँ से आपने इसको पेस्ट करना है। ओके, कन्वर्ट 2D। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन है, ओके, ये हमारे पास जो लाइन है ये 3D है। यहाँ पे पहले आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे इसको ज्वाइन किया था, अभी मैं जैसे इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये सिर्फ पॉली लाइन है। ओके, अभी इसी लाइन को हमने वापस 3D में लेना है, तो यहाँ पे आप इसको ये वाली कमांड दे, कॉपी। ओके, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसी लाइन को मैं दोबारा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, तो अभी अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये अभी 3D पॉली लाइन है। तो ये था पॉली लाइन के बारे में एक लिस्ट जो कि मल्टी फंक्शन है, आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।